गाइस, हेलो, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। और गेस व्हाट, आज आपको मैं बता दूँ मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ अशोक विहार में, दिल्ली में, और नॉनवेज मार्केट है अशोक विहार की, जो कि है चिकन महल के आउटलेट पे हूँ फ्रेंड्स मैं। और आज मैं यहाँ पर फूड ब्लॉग करने वाला हूँ, और मेरी अभी भाईजान से भी बात हुई थी, और आज हम कुछ ऑथेंटिक यहाँ का जो सबसे स्पेशल कुछ है ना वो ट्राई करने वाले हैं गाइस। उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि अभी कोरोना का टाइम है और बहुत अभी जो है अनलॉक हुआ है, बट हमको ध्यान बहुत रखना है। तो कहते हैं ना कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, और ये मास्क जो है ना गाइस, ये है हमारी मजबूरी नहीं, ये भी है ज़रूरी। तो मास्क लगाएं फ्रेंड्स बिल्कुल। और यहाँ पर हम कुछ आज अच्छा सा फूड ट्राई करेंगे, और जो है गाइस यू कैन ईजिली कम ओवर हेयर। मी बाय कॉलेज है यहाँ पर पास में, और जो है अशोक विहार के अंदर ये मार्केट है चिकन महल। ये देख रहे हैं आप चिकन महल सिंस 1995, और यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको पुरानी दिल्ली वाला जायका मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप पुरानी दिल्ली में आपने नॉनवेज खाया है तो वो वाला जायका मिलेगा जो सिर्फ दिल्ली में मिलता और कहीं नहीं मिलता, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। और अभी हम यहाँ पर फूड टेस्ट करेंगे, ओनर से बात करेंगे, भाईजान से बात करेंगे हम, और जो है हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आज। तो वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है तो थैंक यू सो मच।
हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया मटकी चिकन का प्रेपरेशन, बहुत तड़कता भड़कता, फुल ऑफ स्पाइसेस, नॉर्थ इंडियन मुगलई, वो माउथ वाटरिंग जो होता है ना चिकन, वो प्रेपरेशन था अमेजिंग। और गाइस ये है, देखिए मेरे साथ में ये है मेन्यू, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, एड्रेस वगैरह है वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और मेरे साथ आज मेरे दोस्त हैं साहिल। साहिल क्या हाल है भाई? बढ़िया ना। चलिए तो साहिल आज हमको बताने वाले हैं कि चिकन महल में आज हमारे सामने ये क्या क्या, हमारे टेबल पे खाना क्या क्या परोसा जा रहा है। साहिल शुरू करते हैं यहाँ से। ये चिकन टिक्का मसाला है, ये थोड़ा सी स्पाइसी होती है और स्पाइसी है। इसका प्रिपरेशन होता है देसी घी में बनता है ये। अरे वाह, ठीक है। और ये तवे की आइटम है, तवे पर बनता है स्पेशली। अच्छा, और इसके आते हैं ये है रोगन जोश, ये मटन की आइटम है, मटन रोगन जोश होता है ये। ओके, थोड़ा सा हल्का स्पाइसी भी होता है। हाँ, और थोड़ा टेस्टी भी होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो मतलब कस्टमर्स को पसंद आता है? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्टली सेल्ड आइटम है ये। अच्छा, हॉट सेलिंग है गाइस ये मटन रोगन जोश। मटन रोगन, ये देखिए आप, टेक्सचर देखिए, ऊपर ड्रेसिंग देखिए, धनिए का तड़का देखिए, सब देखिए आप, बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो साहिल ये जनरली मतलब लोग सर्दी हो चाहे गर्मी पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल सीजन है। और ये क्या है उसके बाद? फिर आते हैं, ये है मलाई टिक्का। मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का है, ये रोस्टेड आइटम है। अच्छा, तो ये भी हॉट सेलिंग है। थोड़ा सा नॉन स्पाइसी होता है क्योंकि मलाई का फ्लेवर होता है इसमें। हाँ हाँ। तो कम स्पाइसी में लोग ज्यादातर, अगर किसी को कम स्पाइसी खाना हो, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना, तो मलाई टिक्का प्रेफर करते हैं। अच्छा, ठीक है। और वैसे ये अफगानी चिकन भी थोड़ा कम स्पाइसी में होता है। अच्छा। लेकिन बिल्कुल बेस्ट होता है ये भी हमारा मोस्टली सेल्ड आइटम है। ठीक है, तो मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस ये है कि ये जो मलाई टिक्का है ये बोनलेस पीसेस में आता है। ये बोनलेस पीस, इसमें बोन वगैरह नहीं है। ओके गाइज, ये बोनलेस है। अगर आप बोनलेस के शौकीन हैं, ज़्यादा झंझट नहीं चाहते हैं, है ना, तो आप ये ऑर्डर करिए। इसमें और इसमें आपको लगभग सेम आपको फ्लेवर मिलेगा। फ्लेवर सेम होता है। अच्छा, तो ये आते हैं हमारी चौथी आइटम पे, पांचवी आइटम। ये है तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन, ये हल्का सा स्पाइसी होता है लेकिन अच्छा बेस्ट होता है, सबसे बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। अच्छा, हाँ जी। और ये जो है कस्टमर्स इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तंदूरी चिकन हमारा मोस्टली सेल आइटम है। हाँ। सेल आइटम है, इसीलिए मतलब सबको पसंद आता है। हाँ, सही। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से सर्व करते हैं हम, सर्विंग क्वालिटी भी और हमारी क्लीनिंग क्वालिटी भी होती है, बढ़िया से हाइजीन तरीके से सर्व करते हैं कस्टमर, और कस्टमर हमें इसीलिए पसंद भी करते हैं। और आप भी आइए, पसंद करिए, खाइए। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आज आया हूँ ना, मतलब समझ रहे हो, मैं आज पूरा इंजॉय करके जाने वाला हूँ यहाँ से। और गाइस, हाइजीन की बात हुई है, सेफ्टी मेजर्स की बात हुई है, जो यहाँ पर बहुत अच्छे से उन चीज़ों को लिया जाता है, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आप जहाँ खाना खाने जाएं वहाँ हाइजीन का ध्यान रखा जाए, सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। तो ये तंदूरी चिकन है, और ये क्या है साहिल? ये चिकन टिक्का मसाला है। ये रोगन जोश है। ये अफगानी चिकन है। और ये है मलाई टिक्का। इसके साथ चाहे जो बटर नान, लच्छे परांठे, या रोटी या बटर रोटी, जो मर्जी ट्राई करो। हाँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सर्विंग। ठीक है, चलिए तो अभी आपको हम बता दें कि हम क्या पसंद करते हैं। गाइज वेलकम बैक। और ये देख रहे हैं आप, दस्तरखान हमारा बिछा हुआ है खाने का। और गाइज ये देख रहे हैं आप, बहुत सारी हमारे पास वैरायटी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जोरों की भूख लगी है। और फ्रेंड्स, अभी क्या है, हम थोड़े से डाइट कॉन्शियस भी हैं, तो मैंने थोड़ा सा सिलेक्टिवली जितना मुझे खाना है मैंने उतनी क्वान्टिटी जो है वो इसमें निकाल ली है। और गाइज हमारे पास बहुत वैरायटी है, और यहाँ का जो भी फेमस ऑथेंटिक खाना है ना फ्रेंड्स, वो इन्होंने हमको यहाँ पर पेश कर दिया। और ये देखिए पहला जो है गाइस, ये तवा टिक्का मसाला है, ये मटन रोगन जोश है, और ये देख रहे हैं आप, ये तंदूरी चिकन है जो कि बहुत अच्छे से कुक्ड है, अफगानी चिकन, तंदूरी चिकन। ये देख रहे हैं आप, ये मलाई टिक्का के पीसेज हैं, और साथ में गाइस ये है हमारे साथ ये लच्छा पराठा, मस्त एकदम। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में, मैं तो बेकरार हूँ इसको खाने के लिए। और ये हर नॉर्थ इंडियन खाने की जान जो है चटनी, और साथ में है प्याज। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और खाना ठंडा हो रहा है भैया, जल्दी से मैं बेकरार हूँ। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं अब।
हम सबसे पहले गाइस मैं चाह रहा हूँ कि मटन ट्राई किया जाए, है ना। देख रहे हो आप क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई साहब, ओहो। बट चलिए नो ट्राई करते हैं, और ये पहली बाइट जाने वाली है मेरे मुंह में। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ गया इसीलिए, क्योंकि गाइस बहुत अमेजिंग टेस्ट है, फुल ऑफ स्पाइसेस। और मैं थोड़ी सी ग्रेवी ट्राई करना चाहूँगा, खाली ग्रेवी खा के मैं आपको बताता हूँ। भैया रोटी करवा, वेरी क्रीमी, बहुत अच्छी है। गाइस फुल ऑफ यू नो पुरानी दिल्ली वाला मज़ा है यहाँ पर, वो जायका, वो दिल्ली का जो कल्चर है मुगलई, वो फ्लेवर यहाँ पर आ रहा है। और आपको क्या बोलूँ, वो हल्का सा स्मोकी बर्न्ड फ्लेवर भी आ रहा है, साथ में जो है मसाले हैं और यू नो स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे वॉल्यूम पे एडिड हैं, बहुत अच्छी डिश है। सो गाइस मैंने ना एक्चुअल में ऐसा मटन इससे पहले कभी नहीं खाया, ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं खाया। और अगर आप फूडी हैं सीरियसली, तो आपको ये मटन आप खाएंगे तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। देखिए ऐसे बाइट लीजिए, ये डालिए ऊपर ग्रेवी, ग्रेवी तो मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है फ्रेंड्स। और ये देखिए, थिकनेस भी चेक करते, अरे ये तो कट गया फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इधर चम्मच लगाई और ये कट गया, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इतना सॉफ्ट है। और इतना मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा लच्छा पराठा के साथ फ्रेंड्स। और ये देख रहे हैं आप, ये मटन के पीसेज हैं जो एक चम्मच मारने पे टूट गए फ्रेंड्स, इतना क्रीमी है और इतना जूसी है। ट्राई करते हैं इसको, आई एम श्योर। अमेजिंग, बहुत बढ़िया मटन, कितना अच्छे से कुक किया हुआ है, और यू नो कितना उस पर मेहनत करी है उसको इतना जूसी क्रिएट करने में, वो यहाँ खा के एक बाइट में मुझे पता चल गया। फ्रेंड्स आप दिल्ली में कहीं भी रहते हैं, ठीक है, एक बार आपका यहाँ आना ज़रूर बनता है, क्योंकि आपको जो मज़ा आने वाला है ना, खाने का जो लेवल है ना, वो इस कदर पे हाई है कि मतलब आपका दिन बन जाएगा। और आप कोई भी ओकेजन है, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रह जाएगी कि यार चिकन महल पे ना, इस चिकन महल पे जो अशोक विहार में जो नॉनवेज खाया था ना, मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। और विंटर्स के मौसम में तो अक्सर यहाँ बहुत मज़ा आता है। और ये सेकंड ब्लॉग है जो मैं इस मार्केट में बना रहा हूँ फ्रेंड्स, वो भी आपने बहुत पसंद किया था। सो गाइस अभी हमने मटन ट्राई करा, बहुत ही मज़ा आया। और कुछ हमारे पास जो है ड्राई आइटम भी है, जो कि है मलाई टिक्का, ऑथेंटिक मुगलाई स्टाइल मलाई टिक्का, जो कि हमसे नाराज़ हो रहा है कि हम बहुत देर में उसको पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जो है मलाई टिक्का ट्राई करते हैं, और यू नो हाथ से खाने का भी अपना मज़ा होता है, और मैं तो आज बिल्कुल यू नो फ्रेंड्स मस्त इन्जॉय कर रहा हूँ, टूट पड़ा हूँ आज मैं। तो ये मलाई टिक्का खा के आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा आता है। क्रिस्पी, क्रीमी, जूसी, और साथ में अगर आप नॉन स्पाइसी के फ़ैन हैं, स्पाइसी आपको ज़्यादा पसंद नहीं है और आप नॉन वेज का पूरा जायका लेना चाहते हैं आप मुगलई खाने का, तो ये वो डिश है जिसको आप ऑप्ट कीजिए, बहुत बढ़िया है, ऑथेंटिक है, मज़ा आ गया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारी तीसरी डिश पे, ठीक है। दो हो गए, ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ अमेजिंग। ये है चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला है ये, और ये देख रहे हैं इसका टेक्सचर, क्रीमी कितना ये है, देखने में स्पाइसी बहुत लग रहा है। तो मैं इसको अगेन लच्छा पराठा के साथ फ्रेंड्स ट्राई करने वाला हूँ। तो मैं इसको लच्छा पराठा के अंदर इसको स्टफ़ करता हूँ, और साथ में देख रहे हैं मिर्च भर भर के डाली है इन्होंने, आज पता है स्पाइसी होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स हम चिकन टिक्का मसाला ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, खली बली हो गया दिल, बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, अमेजिंग तवा, टिपिकल तवा आइटम जो हम देखते हैं। और लॉट ऑफ स्पाइसेस, ये देख रहे हैं ग्रीन चिलीज, तो इसमें ये देख रहे हैं फ्रेंड्स भर भर के है, ये देखिए ग्रीन चिलीज और ये सब,
अमेजिंग बिल्कुल डिश, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुक की हुई है। और अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं फ्रेंड्स, स्पाइसी के शौकीन हैं मेरी तरह, मुझे तो बहुत पसंद है जनरली बता रहा हूँ आपको, तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देख रहे हैं साथ में कांदा प्याज, हाँ इसको जगह जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, कहीं कांदा कहीं प्याज कहीं कुछ कुछ तो। और ये है देखिए चौथी डिश हमारी, प्लेट पे आ जाइए जी, ये है हमारी तंदूरी चिकन। और ये देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी है, मैं आपको देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से फुल ऑन, ये देखिए फुल ऑन जूसी है और बहुत अमेजिंग लग रही है देखने में। तो चलिए तंदूरी चिकन तो मैं ट्राई करूँगा ग्रीन चटनी के साथ, इसके बिना मैं तंदूरी चिकन नहीं खा सकता। तो चलिए इसको अच्छे से ग्रीन चटनी में लपेट के, वाह फ्रेंड्स, डाइट कॉन्शियस अगर आप हैं ना, मैं भी आजकल होने लग गया हूँ थोड़ा सा, तो तंदूरी चिकन खाइए, साथ में एक रोटी ऑर्डर करिए, साथ में आपको ये रोटी भी है हमारे पास प्लेन, लच्छा पराठा भी है, तंदूरी चिकन ऑर्डर करिए, चटनी के साथ खाइए, साथ में एक चपाती ले लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, कुछ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन ये जो है तंदूरी चिकन, इसमें भी फ्रेंड्स जो है फ्लेवर बहुत आ रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल फ्लेवर से लोडेड है, और मुझे इसमें सिनेमन का फ्लेवर आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि मैंने चिकन तंदूरी चिकन में बहुत कम खाया है इससे पहले। सिनेमन का फ्लेवर, ब्लैक पेपर का बहुत फ्लेवर आ रहा है। चलिए एक रॉ बाइट लेके देखते हैं। गाइस अब KFC सबका चिकन भूल जाएंगे, इतना अमेजिंगली क्रिस्पी और कुक्ड यह चिकन है, बहुत बढ़िया है, अमेजिंग। ओहो मतलब मैंने ऐसा तंदूरी चिकन पहले कभी नहीं खाया, बहुत बढ़िया है, चटनी के साथ ट्राई करते हैं, थोड़ा अनियन भी लेते हैं, अनियन। सो फ्रेंड्स अब देखिए एक और चीज़ है हमारे पास, वो भी बड़ी खास है, इसके बारे में आपको बता दूं, ये देखिए ये है अफगानी चिकन, एकदम मस्त और बहुत अच्छे से इसको कुक किया हुआ है, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल देखिए क्रीमी बाहर से और बिल्कुल मुझे लग रहा है देखने में एकदम ऑपोजिट तंदूरी चिकन का, चलिए ट्राई करते हैं। खो गया मैं, एक्चुअली मैं खो गया मैं इसको खा के, बहुत अमेजिंग है फ्रेंड्स, दिल खुश हो गया है यहाँ आके, अमेजिंग बहुत बढ़िया। सो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपको जो है ओनर्स से मिलवाता हूँ, आपको आज एक बहुत ही खास इंसान से, शख्स से मिलवाने वाला हूँ, जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ जी, जो मेरे साथ हैं। भाईजान कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल बढ़िया एकदम दुरुस्त, और बहुत पसंद करता हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पर खाना आरिफ जी के यहाँ चिकन महल में, और एक एक खाने में जो है बिल्कुल जान होती है, और आरिफ भाई से जानते हैं। भाईजान शुरुआत कैसे हुई आपके कारोबार में? शुरुआत 1995 से हुई यहाँ। अच्छा, शुरुआत में और भाई साथ में बैठते हैं। आप नहीं सर? अरे वाह, बड़े वाले भाई होते हैं, साथ में दो तीन भाई हैं हम। जी जी, सब साथ में बैठते हैं। अच्छा अच्छा, खुद की मेहनत है। अरे वाह, तो मतलब बचपन से आपको खाने पीने का शौक? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कौन आपके इंस्पिरेशन रहे जो आपको लगा हो कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ खाने? नहीं बनना किसी के जैसा नहीं चाहते। अच्छा, ये तो सब कहते हैं कि अल्लाह जिसको रखे अल्लाह रखे। हाँ जी हाँ जी, ये है कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर को अच्छे से अच्छा टेस्ट मिले। बिल्कुल, ताकि उसको अच्छा मिलेगा तभी दूसरों को भेजेगा। जब उसको पसंद नहीं आएगा तो दूसरों को कहाँ से भेजेगा। हमारी कोशिश ये होती है कस्टमर यहाँ से खुश होकर जाए। अदरवाइज कोई भी आइटम खाए हमारे, एक ही आइटम नहीं, कोई भी आइटम उठा लेंगे, हर आइटम स्पेशल होंगे। लोग ऐसे नहीं आते, तैयार किया जा रहा है, मसाले डाले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी क्या खास तैयारी करते हैं? सारे हम मसाले जो डालते हैं वो MBS वगैरह के डालते हैं, टोटल मसाले। अच्छा, वेरी नाइस। मसाले फूल मसाले हम नहीं डालते, या तो खड़े मसाले या MBS क्योंकि हम क्रीम भी अमूल की यूज करते हैं, मक्खन भी अमूल का यूज करते हैं, हर चीज़ हम एक नंबर की यूज करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और उसी का परिणाम ही जो है हमारे सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं साक्षात वो परिणाम जो है खाने का हमें दिख रहा है, कि जिस क्वालिटी का माल ये यूज़ करते हैं
तो बाकी आपके जो बड़े भाई हैं वो आजकल मतलब दिखाई दे सुबह बनाए संभालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब रोल जो सबका जो है वो अलग अलग है। जी जी हाँ, क्योंकि सुबह माल वही परचेज करके बेचते हैं मंडी से। हाँ, क्योंकि मंडी में सारा सब कुछ अपना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप जैसे जानते हैं ये कैमरा और यूट्यूब के माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर्स हमें देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं हमारे वीडियो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि आप एक बार सुबह का मौका दो और आम का टेस्ट करो, सब पता चलेगा बहुत यहाँ क्या चीज़ क्या चीज़ अच्छी मिलती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। बंदा देख खाएगा नहीं तब पता कैसे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है आरिफ जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और दोस्तों ये थे मेरे साथ आरिफ जी। और फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, वीडियो को लाइक कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो उस ऑडियंस है, वो लोग हैं जो जनरली यू नो फूड को बहुत एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे बहुत इजाज़त लेता हूँ और जल्दी ही मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। ऑल राइट, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड खुदा हाफिज़। नमस्ते, थैंक यू।